मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए थे शिप पर आए हुए और कुछ दिन बाद ही पोर्ट आने वाला था, तो हमें करनी थी एनक्लोज स्पेस ड्रिल। रात को अच्छे से सो नहीं पाया था बिकॉज शिप हिल रहा था और वाइब्रेशन इतनी हो रही थी। सुबह अपनी वॉच पर आया और शुरुआत की लेमन टी से। वॉच खत्म करके जैसे ही नीचे आया तो ब्रेकफास्ट में आज भी ऑमलेट। अरे बात कर भाई। ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट। अपना डेक जॉब फिनिश किया। ड्रिल से पहले CCR आया बिकॉज थोड़े टाइम बाद ही अराइवल था, तो हमें अपने टैंक्स प्रिपेयर करने थे। एनक्लोज स्पेस में विदाउट वेंटिलेशन और एटमोस्फेयर चेक किए जाओगे तो रायता नहीं खुद फैल जाओगे जैसे इस डमी की तरह। रेस्क्यू टीम ने डमी को बचाने की पूरी ओवर एक्टिंग की, पर अफसोस डमी नहीं रहा। इसलिए एनक्लोज स्पेस एंट्रीज को हम हल्के में नहीं लेते, जैसा मैंने यूट्यूब को ले लिया। इसके बाद आ गए हम इंजन रूम। वहाँ मैसमैन मुझे गंदे गंदे इशारे कर। ड्रिल के बाद ब्रीफिंग हुई। बिफोर एंटरिंग वी हैव टू मेक श्योर एनक्लोज स्पेस परमिट हो, ऑक्सीजन लेवल 20.9 हो, टॉक्सिक गैस और टॉक्सिक लोग अपनी जिंदगी में ना हो, स्काबा और स्टैंड बाय पर्सन हो। बाकी अगली वीडियो के लिए मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। जय हो।